बच्चों से घिरे हैं। 12 बड़े पहियों और 7 घोड़ों वाले रथ का आकार दिया गया है, जो वैदिक परंपराओं के अनुसार सूर्य देव का रथ माना जाता है। 3 मीटर चौड़े ये उत्कृष्ट पत्थर के पहिए न केवल खूबसूरती से तराशे गए हैं, बल्कि ये उत्कृष्ट सूर्य घड़ी के रूप में भी काम करते हैं, जिनकी मदद से दिन में समय बताया जा सकता है। पूर्व की ओर देखते ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। मंदिर के दीवारों पर अति सुंदर, जटिल और ध्यान आकर्षित करने वाला उल्लेखनीय भास्कर्य शिल्प देखने को मिलता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक अनूठी मूर्ति है, जिसमें एक आदमी को हाथी कुचल रहा है और हाथी पर एक शेर है। कहा जाता है कि चंद्रभागा नदी मंदिर के उत्तर में बहती थी, जो समय के साथ लुप्त हो गई। मंदिर से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार 1200 कारीगरों ने 12 साल तक मंदिर का निर्माण कार्य किया, लेकिन आखिरी मेल के पत्थर को जमाने में असमर्थ रहे। मुख्य वास्तुकार बिसु महाराणा के पुत्र धर्मपद ने उसको जमा कर कारीगरों की समस्या का समाधान किया, लेकिन इसके बाद उसने चंद्रभागा नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। राजा द्वारा दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर पाने के कारण कारीगरों के जीवन पर होने वाले खतरे को दूर करने के लिए उसने ऐसा किया था। दिसंबर के महीने में मंदिर के भूमि में आयोजित कोणार्क मंदिरोत्सव से एक सुंदर सांस्कृतिक वातावरण छा जाता है। ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों का उत्सव है। इसके अलावा चंद्रभागा मेला हर साल फरवरी में कला और शिल्प के साथ लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। आइए ओडिशा के अद्भुत शानदार कोणार्क मंदिर के अनुभव का आनंद लीजिए।